शत्रु को भी जीतता था आपका चरित्र उज्जवल, निंदकों पर मात करता आपका व्यवहार निर्मल। मातृभू की वेदना जो आपके उर्मे बसी थी, पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना। ये पंक्तियाँ विशेष रूप से जिनके निधन पर सारा देश शोक मना रहा है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सहृदय कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपनी तरफ से एक मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नमस्कार। रजा फाउंडेशन दिल्ली, नादरूप पुणे और महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर के द्वारा आयोजित रोहिणी भाटे डायलॉग्स इस विचार मंच की गत वर्ष स्थापना हुई, आप सभी जानते हैं। आप सभी का इस अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोहिणी भाटे डायलॉग्स, यह है विचार मंच का नाम, क्योंकि रोहिणी जी का नृत्य के अलावा अन्य ललित कलाओं, साहित्य, संगीत, चित्र सभी के प्रति लगाव और चौमुखी अभ्यास था। इस मंच के द्वारा रोहिणी जी के नृत्य क्षेत्र में दिए गए योगदान, उनकी असाधारण विचारधारा और कार्य का स्मरण करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं। पिछले वर्ष इस संवाद सेतु का विषय था इमेज ऑफ रियलिटी एंड रियलिटी ऑफ इमेज, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए थे और सुनने वाले सभी को कला विचार से समृद्ध किया था। इस वर्ष का विषय है टाइम एंड स्पेस इन द आर्ट्स, जो विभिन्न प्रयोगधर्मी कलाओं में अंतर संबंध या परस्पर संबंध, सौंदर्य शास्त्रीय मापदंड और समयानुसार होने वाले अनिवार्य परिवर्तन, इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। रोहिणी जी की कला यात्रा, उनकी अथक साधना, अदम्य जिजीविषा और नृत्यकला के प्रति असीम प्रेम की परिचायक रही है। प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रोहिणी जी ने हम सभी के लिए कला का ये मार्ग प्रशस्त किया है। कला के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाली रोहिणी जी मानती थी कि प्रस्तुतिकरण के साथ ही साहित्य, भाषा, प्रयोगशीलता, वैचारिक प्रगल्भता कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बात को ध्यान में रखकर इस दो दिवसीय विचार मंच का आयोजन किया गया है, जिसे रजा फाउंडेशन दिल्ली, नादरूप पुणे द्वारा महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर के सहयोग से हम आपके लिए, सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की जो पहली प्रस्तुति है, मंच तैयार है और हम सभी सुनने के लिए तैयार हैं उन्हें, क्योंकि पिछले वर्ष भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति से, अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत किया था। ऐसे श्री सत्यशील देशपांडे जी कुछ ही क्षणों में इस मंच पर होंगे। हम उनका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चाहती हूँ एक बार और जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें। बहुत ही सुगढ़ गायकी के प्रतीक पंडित कुमार गंधुरी जी के आप सुशिष्य हैं। शास्त्रीय संगीत की पूरी जो एक सरिता है वो अपने भीतर समाये हुए कोई भी कलाकार, अगर शास्त्रीय संगीत उसका आधार है तो हर तरह का संगीत बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ख्याल गायकी के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं और जब जब कोई ख्याल पंडित सत्यशील देशपांडे जी प्रस्तुत करते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है, सुनने वालों को आनंद से सराबोर करने वाला आपका गायन होता है। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से संवाद फाउंडेशन की आपने स्थापना की है, जहां पर संगीत संग्रहालय है, जो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। होमी भाभा फेलोशिप से आप सम्मानित है, रजा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। संगीत और साहित्य के प्रगाढ़ अभ्यासक हैं आप। और जहां मैं बात करूं प्रस्तुति की और हम सभी से संवाद
साधने की, तो वो भी कला आपको बहुत सुंदर तरह से अवगत है। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री गैरा उमेद सिंह जी। तो मैं पंडित सतीशील देशपांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस पहले सत्र का, इस सुंदर सुबह का आपके सुरीले स्वर और आपके विचारों के साथ शुभारंभ करें। नमस्कार। नमस्कार। मुझे इस आयोजन में कुछ अपने विचार जो कभी स्थिर नहीं हो पाए पर उनका एक स्थगित रूप प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए मैं रजा फाउंडेशन नादरूप और ज्योत्सना भुड़े प्रतिष्ठान का आभारी हूँ। अशोक जी ने जो मुझे मेल भेजी थी उसमें था कलाओं में देशकाल, और शमा जी ने जो विषय दिया वो था टाइम एंड स्पेस इन आर्ट्स। इसमें दोनों में देखो तो थोड़ा सूक्ष्म फर्क है, क्योंकि देश कहने से कल्चरल पॉकेट्स कई तरह के आते हैं, देशकाल और समय। खैर, टाइम और स्पेस, हम लोग बहुत सारी बातें जलमंटत गृहित धरतो अपन किया या वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो हमारे एक सन्मित्र हैं नंदू कुलकर्णी, आज यहाँ पर मौजूद है। ही हैपन टू बी अ विंडो बिंग एन पर्सन ऑफ मैथमेटिक्स टू व्हाट इज रियली टाइम एंड स्पेस नाउ मींस इन मे बी फिजिक्स और इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो छोटी सी नोट मैंने उनको कही थी, वो थोड़ी सी यहाँ पर पढ़ना मैं उचित समझता हूँ। आइंस्टाइन के पहले जो धारणाएं थी वो सबको, सब परिचित होंगे और इतना सारा पढ़ने को यहाँ पर समय नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, जो परिवर्तन आए अपनी धारणा में, अपनी समझ में। नंबर वन, स्पेस एंड टाइम आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट एंटिटीज बट हैव टू बी ऑलवेज कंसिडर्ड टुगेदर इन व्हाट इज कॉल्ड स्पेस टाइम कंटिन्यूम। Thus, there is no absolute fixed point in the cosmos and no absolute past, present and future, which earlier were considered as a linear movement. If two events occur, say A event, event A and event B in the cosmos, then A could be before B for one observer, but A could be after B for another observer. It depends on the velocity into bracket speed of the two observers relative to the events. Two, mass and energy are equivalent, shown by Einstein's most famous equation E plus mc square equal to. सगळ्यांना माहिती दिसतंय, पण काही आमच्या संगीतकार मित्रांना, the universe is not infinite even though it has no boundaries. हा एक पहिला प्रयत्न, पहिलं विधान आहे। बिकॉज स्पेस इज कर्व्ड अँड नॉट एक्सपांडिंग फॉर एव्हर इन ऑल डिरेक्शन्स। टू एक्सप्लेन दिस मोर इझिली, बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल अँड नॉट फ्लॅट, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द इक्वेटर से इन श्रीलंका अँड कीप ट्रॅव्हलिंग वेस्ट, यू विल पास थ्रू आफ्रिका, युरोप, अमेरिका अँड रिटर्न टू द सेम पॉइंट वेर यू स्टार्टेड, इवन दो द अर्थ डझंट हॅव अ बाउंड्री। At a cosmic level, if you send a rocket, it will take perhaps million of years, but it will come back to the same place. Similarly, the theories of quantum physics proposed by Niels Bohr, Werner Heisenberg, and many others, tanchi kai hi vidhana mi sangtoy. Everything in the universe can be considered as a particle or as a wave. So an electron behaves like a particle in some situations and like a wave in some situations. ही कलेच्या दृष्टीने मला अनिश्चितता फार जवळची वाटते, अनिश्चितता फार जवळची वाटते। डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट यू आर ट्राइंग टू ऑब्झर्व,
इवन लाईट बिहेव्स लाईक पार्टिकल्स इन सर्टन सिच्युएशन्स. दीज लाईट पार्टिकल्स वेर नेम्ड फोटॉन्स बाय आइन्स्टाईन. द ऑब्झर्वर अँड द ऑब्झर्व्ड कॅनॉट बी कन्सिडर्ड सेपरेटली इन एनी एक्सपेरिमेंट. दे आर पार्ट ऑफ अ सिंगल सिस्टीम. द ॲक्ट ऑफ ऑब्झर्विंग समथिंग चेंजेस इट. द ॲटम डझंट कन्सिस्ट ऑफ ओनली थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स. दॅट इज द प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस अँड द इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स हॅज द अदर सब पार्टिकल्स. ॲज ऑफ टुडे देर आर 38 टाईप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. शेवटचं, ॲज पर हेन्सबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल, द एक्झॅक्ट पोझिशन अँड मोमेंटम इंटू ब्रॅकेट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलॉसिटी कॅन नेव्हर बी डिटरमाइंड विथ कम्प्लीट ॲक्युरसी बट कॅन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉबॅबिलिटीज. हे मला एकदम त्याच्यामुळे हा सगळा विषय मला जवळजवळ वाटला. अनिश्चितता आणि शक्यता ह्या दोन मूलभूत तत्वांवर आम्ही आपलं गाण्याची मोट बांधत असतो. कशी? तर कर्व म्हटल्यावर तो बिंदू, एक रेषा आपण काढतोय तर ती फक्त वर्तुळातच त्या बिंदूला येऊन मिळू शकते, माझ्या अशी माझी भाबडी समजूत आहे. हे कर्वचं इथे मला मिळालं थोडासा टेकू. तर त्याच्यामुळे आपली तालकल्पना, कालमापनाची, संगीतातली कल्पना ही वर्तुळाकार आहे. कृतिन धिंदा त्रक धिन धिंदा धा म्हटल्यावर पहिलं आवर्तन संपलं हे जसं सिद्ध होतं, तसं दुसरं सुरू झालं हे सिद्ध होतं. तिन तिनता त्रक धिन धिंदा धा आणि पुढचं मी म्हणलोच नाही तर ते वेटिंगला रिक्षा ठेवल्यासारखं होईल. ती 17वी मात्र पडल्यावर 16 कम्प्लीट झाल्याचं सिद्ध होतं ना. मग ती मी 4 मात्रानंतर टाकली तर ती 20व्या मात्रेवर मी 10 म्हणालो माझ्या तब्येतीनं. आणि संगीत हे प्रवाही आकार तत्व आहे. आमचे आरुलकर बुवा त्याला फ्लुइड स्कल्पचर असा शब्द वापरायचे. तर आता मला एक आठवलं, NCPA जेव्हा हे सुरू झालं, टाईम आणि स्पेस यातलं कलाकारांचं एकंदरीत काय, तर तेव्हा ते समुद्र, ते रिक्लेम्ड समुद्र तो करून तिथे त्या वास्तू तिथे उभी राहिली आणि ते मुख्यमंत्री येणार होते तर ते काही येऊ शकले नाहीत. आणि असंच टाईम आणि अरे हिंदीत टाईम और स्पेस को मद्देनजर रखते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया था और वहाँ पे कपिला वात्सायन, पु ल देशपांडे वॉज ॲट द हेल्म ऑफ अफेअर्स, मोहन खोकर थे या ऐसे, और मुख्यमंत्री जी नहीं है तो उन्होंने शायद उनकी PA को कहा था कि यहाँ पर एक तुम सुयोग्य भाषण करके मेरे नाम से पढ़ दो. तो वो मंत्री महोदय की PA ने वहाँ पर आके कहा कि ये स्पेस के उन्होंने वो मेजरमेंट्स दिए एग्जैक्टली और कैसे हमने इनको ये दी. और उन्होंने कहा अभी नाउ लेट मी ऑल्सो से समथिंग अबाउट द टाइम. तो इन्होंने बड़ी ही जिद्दोजहद से और मेहनत से तीन साल के अवधि में ये वास्तु यहाँ पर खड़ी की. ही त्यांची समज होती स्पेस आणि टाईमची. आता हे बऱ्याच संस्था चालकांना, ज्यांचे हेतू अर्थातच उदत्त असतात की आत काहीतरी कलाविषयक चळवळ व्हावी, हे त्यांनाही लागू पडतील. तर टाईमबद्दल आमचे आद्य हमारे जो उस्ताद होके उस्ताद थे बाळकृष्णभाऊ इचलकरंजीकर, विष्णू दिगंबरजी के गुरु, उनको उनके कुछ सन्मित्रों ने कहा कि आप ऐसा आवर्तन बांधते हैं. उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा था कि राग कैसा होना चाहिए, तो राग का पेड़ होना चाहिए. राग के में जो धुन होती है उस पौधे का पेड़ होना चाहिए और बढ़िया आवर्तन बांध के मुखड़ा पकड़ के संप पर आना चाहिए इत्यादि इत्यादि. तो इतने पंडित थे तो किसी ने उनको कहा कि ज़माना बदल रहा है, आप थोड़ा लिखना पढ़ना आप थोड़ा सा जानते हैं तो पढ़ लीजिए. तो एक शिष्य उनके साथ दोहरे पर था टूर में, उसने कहा कि रोज़ वो लोखंड की ट्रंक खोल के वो कुछ एक निकालते थे और एक चीज़ पढ़ के वापस रख देते थे. एक बार उसने देखा तो वो 20 साल पुराना केसरी था. मतलब ये समय से संबंध रखते हुए उनके गाने में कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ा, वो गाना उतना ही अच्छा था. शायद
इस बहाने मैं एक सुशिक्षित होने का गैर जरूरी दावा भी कर सकता हूँ कि इतना बकवास मैं कर रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि स्पेस एंड टाइम, जैसे इन्होंने अभी कहा था कि दे आर इनसेपरेबल एंटिटीज़, ऐसे मुझे लगता है स्वर और लय भी इनसेपरेबल एंटिटीज़ है। एक बार हमारे यहाँ रामाश्रय झा आए थे तो किसी ने उनको एक बड़ा सा मासूम सा सवाल पूछा कि स्वर श्रेष्ठ कि लय श्रेष्ठ, तो उन्होंने कहा लय। अब बाद में जब सोचा मैंने तो ये पता चला कि सुरीला होना यानी नंबर ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज इन अ सेकंड, उसकी जब लय बिगड़ जाती है तो उसे हम बेसुरा कहते हैं, तो वो लय है, सुर में भी एक लय छिपी है। तो ये जैसे इनसेपरेबल है, ऐसे टाइम और स्पेस ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में जितने एक दूसरे के कंधे पर लेटे हुए हैं उतने अन्यत्र कहीं नहीं। अब हमारे यहाँ स्पेस निश्चित की जाती है लय को जारी रखते हुए, एक विविक्षित मात्राओं के खंड को निश्चित कर, जिसे हम ताल कहते हैं, कि वो 12 मात्रा के बाद फिर से जब पहली मात्रा आई तो वो हमारा एक स्पेस का साइकिल पूर्ण हुआ, जो हम हमारी धारणा में वो वर्तुलाकार है। जैसे सिम्फनी में लीनियर डेवलपमेंट होती है, ऐसे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इस स्पेस को हम जैसे एक फिजिकल स्पेस है ऐसे ही समझते हैं, तो क्वांटम थ्योरीज के सब जो मैंने अभी थोड़ी सी जो बात कही वो यहाँ पर भी इसका वो असरदार साबित होती है मुझे। और ऐसी आवर्तनों की कई मालिका में से हम हमारा जो राग है उसका विस्तार करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काल नापन की जो क्रिया है उसकी एक खासियत में बयान करना चाहता हूँ, वो यह है कि केवल इस धरातल पर जितने सारी ताल क्रियाएं हैं उसमें केवल उत्तर भारतीय ख्याल जॉनर में कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ अ रिदमिक साइकिल एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ अ रिदमिक साइकिल है। ये दाक्षिणात्य संगीत में नहीं है, वहां पर जाती है तक तकेटे तक तकेटे तो खंड जाती है, मगर धीना धी धीना तीना धी धीना धन धिन। अब ये मुखड़ा लेके संपरा है इत्यादि इत्यादि। तो केवल इसी ताल क्रिया में हम मुखड़ा लेके संपर आते हैं। लोक संगीत के जो उछलते हुए जला अपन उड़ते म्हणतो ना त्याचा अनुवाद उछलते मैंने किया, 6 मात्रा का दादरा और 8 मात्रा का कहरवा, इनके हमारे यहाँ क्रमशः 12 मात्रा का एक ताल और 16 मात्रा का तीन ताल होता है, और हम लोग मुखड़ा पकड़ के संपर आते हैं जिसके लिए स्पेस नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर एक फिल्म गाने का उदाहरण देता हूँ। हमारे संगीत में स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, यह विषय मुझे 2 घंटे में एज ग्रुप 10 से 14, ऐसे कई स्कूलों में स्विक मैकेन ने उनको समझाने को आमंत्रित किया था, तो मैंने एक नुस्खा निकाला। अब उन दिनों 6-7 साल पहले गाना था, तो बच्चों को मैंने पूछा आपको कौन सा गाना प्रिय है, सब लोग कुछ कुछ शिक्षक के डर से वृंदावनी सारंग, चरजुकी मल्लार,
वगैरह वगैरह कहने लगे, पर मैंने कहा नहीं आपको अंतरंग से कौन सा गाना प्रिय है, तो वो बात ऐसे निकली, कजरारे तोरे कारे पारे कजरारे कजरारे। अब गुलजार जी के अलौकिक प्रतिभा ने इसमें एक जुड़वा नैना भी एक शब्द प्रयोग किया है, मतलब स्क्विंट तो नहीं हो सकता, एंड वी जनरली डोंट से टू नॉस्ट्रिल्स, एक ही नाक कहते हैं हम लोग, पर वो जुड़वा नैना है। खैर तो मैंने कहा हाँ मुझे भी ये गाना प्रिय है, पर बाद में वो मोनोटोनी से सब मुरझा जाते हैं, कितनी बार गाएंगे कजरारे तो रे कारे कारे नैना। तो मैंने कहा चलो इसको, अगर इसमें अगर आपने 24 घंटे आप टीवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे साबुन हैं तो इतने बार नहाना चाहिए, पर बेसिकली साबुन के लिए हम लोग नहीं नहाते हैं, इतने सौंदर्य प्रेमी हम नहीं हैं, रोज़ रोटी दाल रोटी कमाने के लिए हमको बहुत सारा वक्त ज़ाया करना पड़ता है, तो नहाते हैं इसलिए साबुन की हमें ज़रूरत है, तो नैना है तो श्रृंगार है कजरा, है ना। आप भावी नर्तिकाओं को मैं क्या बताऊं श्रृंगार की बात, तो मैंने कहा नैना पर सम रखते बिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अकॉर्डिंग टू मी, तो और इसको तीन ताल में लाते तात्र कधन निंदा दा अत कह गजरारे तोरे कारे कारे नैना। हे सुधा गणे में अत्यंत तन्मयतेने ते 10 मिनट चार चार ठिकाणी अलग अलग स्कूल्स में मैंने इसलिए सुना कि मुझे भी नाम जपन का पुण्य मिलता है जो अन्यथा मैं करता नहीं, काफ़ी नास्तिक हूँ, क्योंकि बेसिक इसकी ट्यून है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, का हरिमुखे हरिमणा हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी, ते वाढतच जाते सूत के सहित संजीव जी। तो मैंने कहा नैना रखते हैं तात्र कधिन निंदा दा, और बच्चों को कहता हूं मैं कि आप केवल ताली दो अतः ये क्लासिकल अभिजात संगीत हो गया। अभिजात संगीत जब से हुआ ये सब पैराफर्नेलिया की आवश्यकता होती है। This happens to be in Raag Bhup. बच्चों को मजा आता है बिकॉज दे फील दे कैन पार्टिसिपेट। तो ये जिसको ये अब इसको कैसे भी भर सकते हैं आप, खाली भरी की क्रिया इज ओनली यूनिक टू नॉर्थ इंडियन क्लासिकल ख्याल जॉनर, जिसका काल अभी मैं स्पेस के बारे में बोल रहा हूँ, टाइम तो कालमापन है, वो हम तालों के जरिए करते हैं, सिम्फनी म्यूजिक में ताल नहीं है, दाक्षिणात्य संगीत में केवल जाति है, तिश्र जाति मिश्र जाति, और वो कितना भी और मुखड़ा पकड़ के संपर आने की क्रिया नहीं है दाक्षिणात्य संगीत में, वो लोग सम से ही उठते हैं, हम लोग मुखड़ा पकड़ के संपर आने का हमको ऐसा चस्का लगा है, उसका उसके नशे हम ऐसे तर रहे हैं कि हम वो जो काव्य है उसकी तात्काल भ्रूण हत्या कर देते हैं। गोकुल गा हमको वो गोकुल गांव का छोरा है और बरसाने की नार है, ये हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको गोकुल गा
वो कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि हमने सहारा लिया कि शब्द प्रधान गायकी नहीं है, तो काल मापन की, जिसे हम ताल द्वारा क्री हुई इस क्रिया को, जिसमें खाली भरी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट हाफ अपर रिदमिक साइकिल एंड नेक्स्ट हाफ अपर रिदमिक साइकिल, उसके जरिए हम लोग मुखड़ा लेके सम पर आने वाले कला साधक हैं। ये ध्रुपद में नहीं होता, ये अब देखिए धिन धिन धा त्रिकधूना गत्यन धा त्रिकधीना, हाँ ये करने का आपको, धा धा धिनता किटता धिनता तिटकत गदिगन धा में मन नहीं होता है। ये चार चार के तीन ब्लॉक्स हैं, इसमें खाली भरी की कंसेप्ट नहीं है। एंड माइंड यू, ख्याल संगीत की यूनिक बातें मैं बता रहा हूँ, मेरा कतई ऐसा है दावा नहीं है कि ये श्रेष्ठ संगीत है। दाक्षिणात्य संगीत में ऐसी कई बातें हैं जिनको हमने अब तक साउथ इंडियन म्यूजिशियन वो जो लघु मात्रा का उपयोग करते हैं वो हम लोग अभी सोचते भी नहीं है। हारमोनिका भी बल स्थान अलग है, उसके तुलना में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कलाओं में देशकाल, तो हमारे देश में ये 150-200 साल से पुराना ख्याल का इतिहास नहीं है। इसमें क्या क्रिया होती है ये मैंने बताया कि जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए ये बुनियाद आवश्यक थी मेरे लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ताल भी एक मात्रा के कई ताल होते हैं, तो इसका एक बार मज़ेदार किस्सा हुआ था। सुनीता देशपांडे, हमारे पीएल देशपांडे की धर्मपत्नी, जिनको कभी कभी विनोद से वो उपदेश पांडे कहते थे, जैसे उप अभियंता होता है ना, वो उप पर श्लेष था, तो उन्होंने कुमार जी को पूछा कि अगर 14 मात्रे का झूमरा है तो फिर 14 मात्रे के दीपचंद की क्या ज़रूरत है और 14 मात्रे के आड़ा चौताल की क्या ज़रूरत है। कुमार जी ने दो चार मिनट सोचा और कहा है कि एक स्पेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, हिरन कैसे पहुंचता है और हाथी कैसे पहुंचता है, इसमें फ़र्क है ना। सो ताल के बीच के जो खंड है वो हमको एक विशिष्ट इम्प्रोवाइजेशन के लिए अवधि देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ये हमारी ताल क्रिया है। और अब आई बात कि ये जो मुखड़ा भर के, मुखड़ा पकड़ के सम पर आने की क्रिया के बाद आवर्तन में जो शेष जगह बचती है वो क्षेत्र है निर्मिति का, नवनिर्मिति का, या रटा हुआ गाने का। हमारे यहाँ संगीत पूर्व निश्चित नहीं है, जैसे आपको बेथोवन की 7 सिम्फनी मिलेगी या स्ट्रैविंस्की की मिलेगी या डेब्यूसी की मिलेगी। अगेन आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग सिम्फनी, क्योंकि एक एक सिम्फनी के पीछे शायद वो कंपोजर्स ने दो दो तीन तीन साल तक विचार किया है। जैसे वो कहते हैं कि वो किसी मूर्तिकार ने कहा कि ये मूर्ति तो पत्थर में ही थी, मैंने जो अनावश्यक पत्थर था वो निकाला, ऐसे उन्होंने बहुत सारे अनावश्यक म्यूजिकल स्टेटमेंट्स निकाल के चुन तराश कर रच बसा के वो एक सिम्फनी सिद्ध की है। सो वी हैव नो बिजनेस टू से इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, सो इट इज़ सेकेंडरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हम लोग, हमारा मिजाज ऐसा है कि हम लोग जैसे बिथोवन की 7 सिम्फनी मिलती है, ऐसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर का गाया हुआ बिहाग या बाबा अल्लाउद्दीन का खाया बजाया हुआ बागेश्वरी का आपने को लिखा हुआ नोटेशन नहीं मिलता है। जिस महान कलाकार भीमसेन जोशी पर ये आरोप था कि वो काफ़ी वही वही गाते हैं और उन्होंने 5000 बार तोड़ी गाया होगा, पर अपने किसी भी तोड़ी के सीडी या कैसेट के साथ वो खुद गा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो फ़र्क होता है यहाँ वहाँ। अनुवाद नहीं करूँगा, हमारे मराठी में बहुत सुंदर कविता है मालती, यह संदर्भात फार पर्टिनेंट वर्ते पूछे, एक तर घबरू नका डरिए मत, कविता मेरी नहीं है और है सिर्फ 2 लाइन की। आसमंत आहे नवा इथे तिथेची फक्त वानवा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम। कि जो यहाँ वहाँ हम करते हैं ना, इसी को वेस्टर्न म्यूजिक के टर्मिनोलॉजी में सिंकोपेशन कहते हैं, SYNCOPATION, जिसके लिए प्रतिशब्द हमारे संगीत में नहीं है, सांगीतिक परिभाषा में नहीं है। वो उसका मतलब है गिवन इनटू ऑक्सफर्ड कंपेनियन टू म्यूजिक।
टू शिफ्ट द एम्फॅसिस फ्रॉम अन एम्फसाइज बीट टू एन अनएम्फसाइज बीट इन अ गिवन बार. इससे वो वाक्यार्थ स्वरार्थ उस म्यूजिकल स्टेटमेंट का बदलता है. सिमिलरली इट गोज फॉर स्पीच ऑल्सो. टू शिफ्ट द एक्सेंट फ्रॉम एन एक्सेंटेड सिलेबल टू एन अनएक्सेंटेड सिलेबल और समथिंग लाइक दैट. तो ये जो सिंकोपेशन की क्रिया है उस होने से एक नया अर्थ वो म्यूजिकल स्टेटमेंट्स में होता है. इसीलिए हमारे संगीत में उसी गायक का वही राग सुनने वही श्रोता साल हो जाते हैं इन एन आइडियल सिचुएशन. कि जबकि वो आज किशोरी जी कैसा भूप पेश करेगी या आज कुमार जी कैसा राग पेश करेंगे ये सुनने की हमारे संगीत में गुंजाइश है. क्योंकि ये पूर्व निश्चित नहीं है. ये पूर्व निश्चित नहीं होने से और भारत के दो तिहाई हिस्से में इसकी साधना इसका प्रयोग इसका उपयोग कलाकारों ने किया है तो इसमें कई डिफरेंट मिजाज आए. यहाँ पर मैं समझता हूँ देश और काल का मतलब इन ए गिवन टाइम. जब संपर्क माध्यम नहीं थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं थे तभी आगरा घराने का लगाव अलग है. किराना घराने का आज से अमोल जी 50-60 साल पहले देखिए कितने अलग अलग आवाज़ हमारे यहाँ पर थे. आजकल ऐसे नहीं है. लाइक वी आर सफरिंग फ्रॉम सिचुएशन कॉल्ड मोनोकल्चर. कहीं भी न्यूयॉर्क से लेकर तक निपाणी तक किसी भी पंजाबी होटल में आपको वहीं ग्रेवी मिलेगी. अलग अलग चावल नहीं मिलते हैं जैसे पहले बेलगांव में जीरे साल मिलता था और भोपाल में काली मूछ मिलता था या कहाँ क्या मिलता था उडुपी में क्या मिलता था. वो आजकल वो वैचित्र्य वो विविधता नहीं रही. तो आवाज़ों में भी विविधता कम हो गई है. आप रियलिटी शोज में देखते होंगे कि वो 3-4 आवाज़ों को ही सारी युवा पीढ़ी की फौज अनुकरण करती है. खैर तो अलग अलग कल्चर अलग अलग मिजाज. देखिए कितना कितना हो गया समय और कितने वक्त है. 10 मिनट है और बताइए मुझे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो आई वॉन्ट एक्सीड द लिमिट. हाँ बंद कर. पहले मैं ऐसे कहता था कि सोशियो कल्चरल परिणामों से मिजाज अलग अलग होते हैं. ये बात अब तक खरी नहीं क्योंकि ये अब सब एक जैसा ही हो गया है. मुझे एक ज़माना याद है जब शतरंज के खिलाड़ी देखने हमारे कुछ मित्र लोग गए थे बोरीवली से 8:57 की फास्ट लोकल पकड़ के. वो मेट्रो में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये बहुत स्लो फिल्म है. अरे भाई तुमने लोकल में जिया है वो लखनऊ के नवाब थोड़ी लोकल में बैठे हैं वो इत्मीनान से खेल रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट पेस ऑफ अ डिफरेंट ज़माना एंड इन अ डिफरेंट कंट्री इन डिफरेंट स्पेस. जैसे मैं मुझे भी जैसे आपने समझा होगा आई हैव अ नैक ऑफ अपेरेंटली इररिलेवेंट बट आई विल कम बैक. मुझे किससे एक ये याद आया. हाँ चलो करो. मेरे पास एक सिद्धेश्वरी जी की रिकॉर्डिंग थी. कलाओं में देश काल तो देश के बारे में अब मैं प्रवचन दे रहा हूं.
मुझे ऐसे लगा था ये बहुत स्लो है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी में लोगों को, मैं भी तो बम्बई का वासी हूँ, पर जब मैं बनारस गया और किसी ने मुझे वो चांदनी रात में, जैसे फिल्मों में सिचुएशन होती है, नैया में नौका विहार चल रहा था, तब मुझे लगा कि ये लय में सिद्धेश्वरी गा रही है, क्योंकि बिजुरिया इतना इत्मीनान है, इतना सुकून है, बिजुरिया चमकती, तब मुझे पता चला बनारस में बिजली भी एक अंगड़ाई लेके चमकती है, वो कड़ा कैसे चमकती नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजुरिया चमकन लागी हो, बिजुरिया चमकन धिन धग 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 न, बिजुरिया चमकन लागी हो बिजुरिया। ये शोभा कोल्टू का, फिर मुझे लगा ये शायद लोकल में बैठ के ऐसे ही लय सूझेगी, बम्बई की जो गायिका है बस। इसी तरह से एक बंदिश है, कैसी अंधेरिया रहन, वो बाद में सुनाता हूं, जो हमारे प्रमुख तीन घरानाओं के संस्थापक है उनका मिजाज, जिसका देश से संबंध थे, मतलब देश यानी कल्चरल पॉकेट्स, वो अलग देश आज के ज़माने में नहीं है, पर एक समविचारी सौंदर्य मूल्य में जो बिलीव करते हैं और उनका अपने साधना में उपयोग करते हैं, उनको मैं कल्चरल पॉकेट कहूँगा। ऐसे कल्चरल पॉकेट्स आपको बम्बे में मिलेंगे, पूना में भी मिलेंगे। जो घराने के फाउंडर्स थे वो एक दूसरे का गाना सुनते थे, ऐसे कहा जाता है कि रहीमत खान ने पूरिया में पंचम लगाया तो अलादिया खा बैठ रहे थे, उनने वो गले मिले, मतलब इतने खूबसूरती से उसने वो व्याकरण के नियम की, व्याकरण का पालन न करने का गुनाह किया था कि वो गले मिले, क्या बात है। पर एक घराने के अनुगामी सहसा दूसरे घराने के अनुगामियों से उनका बड़ा तीव्र संघर्ष होता है, जो गुरु लोग होते हैं उनकी आपस में दोस्ती होती है, ऐसे होता है। पर एक ज़माना था कि जो फैयाज़ खां का ऐसा असर रहा, मुझे भीमसेन जी कहते थे, क्योंकि आगरा घराने पर एक आरोप किया गया है कि लयकारी, ऐसे लयकारी नहीं है वो, लयकारी के पीछे एक पुकार है, एक आक्रंदन है, और गौर से देखो तो आगरा घराना ये खाली भरी में चलने वाली कव्वाली भी है। जैसे मिसाल देता हूँ मैं, रे 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 ना ना, अब देखिए, क्योंकि फैयाज़ खान साहब की आवाज ऐसी थी, बल मोरे झांड कल बल मोरे झांड कल, अरे हाँ कर गन लागे रे नारायण चुरिया, बल मोरे झांड। बल मोरे झांड गलैया घर घर लगे ना दान चुरिया, बलम बलम बोरे झांड। ये उस देश का मतलब जो मैं कल्चरल पॉकेट समझता हूँ। फिर सभी लोगों ने उनका जो अनुगामित्व किया, उनसे अक्सर यह एक गलती हो जाती है या अपरिहार्यता समझिए कि वो लोग गुरु जैसी आवाज़ का लगाव अपनाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको सूझता भी किसी और तरीके का नहीं, क्योंकि कानों पर वही बात पड़ती है। आपने अक्सर देखा जिनके घर में नौकर चाकर, आज इनको सुसंस्कृत भाषा में एड या हेल्प कहते हैं, वो जनरली उनका जो घर में प्रभावशाली व्यक्ति जो है उसके जैसा ही हेलो कहती है। कई बार मुझे फ़ोन पे लोग कहते हैं, जब मेरा बेटा फ़ोन उठा था, क्या रे हमको लगा आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे के कर्ण संपुटों पर और अच्छी ध्वनियाँ पड़ी ही नहीं, मुक्त कम्बत की ही आवाज़ पड़ी। तो वो इसी तरह से फिर एक तरीके की सोच होती है, और हमेशा इन एनी कल्चरल पॉकेट, वो घराने के नियम क्या है, ये सेकंड रेट कन्फर्म्ड इन्फीरियर और अनुगामियों ने स्थापित किए हुए नियम है।
जयपूर घराण्याने आकारमेही आलाप करना है, ये कभी आलारिया खान साहब ने नहीं कहा। केसरीबाई ने खुद बाद में बोल अंग शुरू किया। पर जिनके एक क्या होता है, किसी भी कल्चरल पॉकेट में एक स्टैग्नेंट एलिमेंट इसलिए आता है कि उसमें एक सुरक्षितता होती है कि यही घराना है और इसे हम निष्ठापूर्वक इसका पालन कर रहे हैं, दिमाग को तकलीफ नहीं। क्योंकि सौंदर्य निर्णय किसी और का लिया हुआ हमने निश्चित किया है और उसका हम उसको अनुशासन हमारे पर है और हम लोग उसे कर रहे हैं, ये बड़ी सेफ भूमिका है। अब ये मध्यलय की अगर लयकारी चल रही है, तो एक घराना था, उस घराने में कोई एक बड़ा नामचीन कलाकार जैसे कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी यार ऐसे नहीं हुआ, पर उनकी एक मध्यलय के लिल्ट का अंदाज देखिए, अ वेरी स्मॉल बट वेरी सिग्निफिकेंट कल्चरल पॉकेट। ये घराने ने सिर्फ मध्यलय गाई और जैसे जयपुर घराने का कुछ अनुगामियों ने अर्थ निकाला कि केवल आकार में आलाप करना है और मुखड़ा उसी पॉइंट से पकड़ना है, ये लोग सरगम से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। उसमें बोलतान में जो लघु गुरु को भ्रष्ट करने का दोषारोपण किया जाता है वो नहीं होता, भाषा पर उसको न कहने से न्याय दिया जाता है। भाषा गाकर संगीत में अन्याय होता है, देख उससे, क्योंकि सारे गम और पधन इसमें लघु गुरु का चक्कर नहीं है। आज मोरम सारा मद गरे रे सानी सा, आज मोरम निद सानी रे सा धाम गरे रे सा सा, आज मोरम धनी सा रे गम द रे गम धनी मनी म रे गम द साधा मद मद ग गमरे रे गजा धक करे रे रे सानी सा, आज मोरे मन। इसमें आमिर खान साहब ने क्या पेचीदगी लाई देखिए, धनी जा रे गम दम गे रे रे गम धनी मनी म रे गम द धा द धाम ग ग करे रे सा ज मोरे सारे गम द रे गम धनी मनी म रे गम द धा नी नी धनी नी मनी म रे ग म द रे ग म द नि र ग र नि द म द ग नि द ग म द नि मनी म रे ग म द द द द म ग रे स आ ज मो रे म। दिस इज ऑल टुगेदर निग्लेक्टेड बट वेरी वैल्यूएबल कल्चरल पॉकेट। हमारे ग्वालियर में समग्रता है जो कि कुमार जी ने प्रमुखता से हमें सिखाया, जैसे किराना घराने में एक लीनियर डेवलपमेंट, अभी अगर शब्द आपको पहले से पता हो कि अब मोरे राम, बंदिश भी क्या है अब मोरे राम
विराम राम रे अब मोरे राम, तो कहिए आपका सुर के आत्मा का वो शोध अब्दुल करीम खान ले रहे हैं, तो कहिए अच्छे शब्द आपका क्या बोलते हैं आपके स्वर यज्ञ में बाधा न डाले। फिर गा बताया जाएगा। मेरे पिताजी का एक किस्सा है, एज ए यंग मैन सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे म्यूजिक सर्कल, आद्य बॉम्बे का म्यूजिक सर्कल, उन्हें अब्दुल करीम खान साहब का गाना किया, तोड़ी गाए वो, डेढ़ घंटा हुआ ऊपर के साह पर नहीं गए थे, एक एक स्वर की छटाई खोल रहे थे कण स्वर लगा के। तो एज ए सेक्रेटरी उन्होंने वो कुछ टिकट में स्नैक और कॉफ़ी थी, तो वो कैंटीन वाला आया था, वो चिल्लाने लगा अब इंटरवल करो, तो इंटरवल ज़बरदस्ती करना पड़ा, तो कोई उठा नहीं और लोगों की हालत ऐसी थी, नीम बिस्मिल कई होंगे कई बेजा होंगे, तो कुछ की आंखें तर थी और कुछ अभी रोने को थे। इंटरवल के बाद में फिर खान साहब तोड़ ही गए। पर दिस इज अ कल्चरल पॉकेट ऑफ लीनियर डेवलपमेंट। हमारे देश में ग्वालियर में अगर आप कृष्णराव शंकर पंडित का गायन सुनेंगे, एज एन आर्काइविस्ट मैं बता रहा हूँ, किसी भी गायन में आप बता सकते हैं कि अब ये शुरू हुआ है, अब ये मध्य है, अब ये खत्म होने को आ रहा है, कृष्णराव पंडित में समझेगा नहीं उनके ख्याल में, क्योंकि थ्रू आउट डेढ़ सप्तक में वो काम करते हैं और अष्टांग के हर अंग को वो कहीं भी विथ अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट यूज करते हैं। उसका जो सिक्वेंस है वो गांधर्व महाविद्यालय ने बनाया, करते भी क्या विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, कि जहाँ पर कला का कोई संस्कार नहीं है संगीत का, उनको वो इम्प्रोवाइजेशन बता रहे तो शुरू में आलाप होता है, बाद में बोल आलाप, फिर बोलतान, फिर तान, आलाप नंबर एक से पाँच, बोलतान नंबर एक से पाँच। तो लाइक इफ यू वांट टू बी अ बैले डांसर, उसके लिए जो एरोबिक्स आवश्यकता है, तो वो एरोबिक्स इज नॉट बैले। उसी तरह से हमारे जे वेड़ात दौड़ले वीर मराठी सात प्रचारार्थ, त्यांना म्हटलं हेच गाणं आहे, त्याचे पाठ केले होते आलाप एक ते पाच, त्यालाच आलाप समजून। सो नाउ गामवी हैज बिकम अ मोर स्ट्रॉन्गर कल्चरल पॉकेट देन ग्वालियर। जैसे हमारे यहाँ नरीमन पॉइंट में जितनी बैंक की ब्रांचेस है, दे आर पावरफुल देन देयर रिस्पेक्टिव हेड ऑफिसेस। पर ग्वालियर की समग्रता देखिए, कृष्णराव शंकर पंडित झुमरा लगा के तेन, अच्छा सुनिए, आ
ऐसे ही गाता हूं, इसमें जो पति यारे ए हमारी बीनती कई ओ तुम राखूबा के बारे में कह के, जिसे कहा गया है, माना गया है कि हर कल्चरल पॉकेट का संगीत उस कल्चरल उस संस्कृति को समझे बगैर अधूरा ही रहता है, आप पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते हो। जब मैं देवास गया कुमार गंधर्व के पास, तो उनके गाने में फोक से उन्होंने क्या लिया है समझ में, क्योंकि वो संस्कृति तभी जीवित थी इन 70s। अभी एक मनशांति के लिए गए थे हमारे पुणे से हिमालय में, तो उनको एक साधु मिला, उसके एक हाथ में कमंडलू था, दूसरे हाथ में FM रेडियो था। तो अब कहीं का लोक संगीत, कहीं की संस्कृति अलग से नहीं बची है, मेरी जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो वो संस्कृति में जितना दो अगर विभिन्न संस्कृति है, जैसे पाश्चिमात्य और हमारी संस्कृति है, उसका मिलाप नहीं हो सकता, ऐसे फ्यूजन भी तो नहीं हो सकता। अब देखिए भरतनाट्यम में आमद नहीं हो सकती क्योंकि उनकी तालक्रिया अलग है। अब कोई ऐसा फ्यूजन करने का सोचा है किसी ने तो मुझे पता नहीं, वो नहीं होगा। और अगर फ्यूजन करना है तो एक दूसरे के गुण लेने चाहिए, मराठी में जिसे वाण कहते हैं, दुर्गुण नहीं लेने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ खाली भरी है, तो आप वो पाश्चिमात्य संगीतकारों को खाली भरी में लाइए ना, अच्छी अच्छी, हमारे नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े संगीतकार हरिप्रसाद जी जैसे भी, वो केरला में अपने तीन ताल की बंदिशें बजाते हैं विद सम फॉरेन ड्रमर्स, ये संस्कृति का मिलाप नहीं है। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि उनका जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, जो वादी संवादी और पकड़ के ऊपर जा करके, वो आमिर खान साहब ने ऑलरेडी उसका प्रयोग किया है कि एक स्वर का कितने अन्य स्वरों से उस राग के भीतर बसे हुए संवाद होता है, ये उनके विलंपत में उन्होंने किया है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पेंटाटोनिक रागों को ही सूट होता है, मेघ हो या भूप हो या मालकंस हो। तो इसलिए फ्यूजन में दो देश की विभिन्न संस्कृतियों का नहीं, हमारे यहाँ देश काल का मतलब यह है कि एक ही सौंदर्य विचार को प्रत्यक्ष गायन की क्रिया जो है वो मुखड़ा पकड़ के संपर आने की है। काव्य की भ्रूण हत्या करके हम लोग शब्द प्रधान गायकी न होने का के अभिमान से हम लोग विस्तार करते हैं, और उसमें से देशकाल की जब सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सामाजिक वो थी, उससे ये सब घराने शायद बने हो, उसके दो घराने के सीमा रेखा पर रहने से। जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शहर में बुरहानपुर भी है बॉर्डर में, वहाँ का गवैया क्या करेगा। खैर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कला शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न परिभाषाएं भी इसके किसी विशेष पक्ष को छू पाती हैं, और अभी अभी पंडित सत्यशील देशपांडे जी ने हमारे सामने अपनी प्रस्तुति के साथ अपने जो विचार रखे उसमें समय का जो संगीत में महत्व है उसकी उन्होंने बात की, और बीच में बात करते हुए उनके मन में भी शायद विचारों का आवर्तन चल रहा था, और इसी के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि आई विल कम बैक, यानी मैं फिर सम पर आ जाऊँगा। तो शायद यही वो बातें हैं जो संगीत को समय और जो अवकाश है उससे जोड़े रखती हैं। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, और इसका संबंध आंतरिक भावनाओं से है। तो पहला सत्र आपकी प्रस्तुति से बहुत मनोरंजक रहा मुझे लगता है, क्योंकि मज़ा आया सबको, कजरारे भी सुना हमने, कुछ ख्यालनुमा बंदिशें भी सुनी हमने, और अलग अलग घरानों का छोटा छोटा एक जो पहलू अलग था वो भी हम तक पहुंचा। मैं शमा भाटे जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया हमारे पहले सत्र के कलाकार पंडित सत्यशील देशपांडे जी का सम्मान करें। शुरुआत में सत्यशील जी ने बहुत कुछ मुश्किल फ्रेजेस भी हमारे सामने रखी, जो सुधी जन हैं उन तक तो बहुत अच्छे से पहुंच गई, लेकिन मुझ जैसे जो अज्ञानी हैं उनको मुझे लगता है कि इनके साथ बैठकर उसे समझना होगा। तो खैर, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। शमा जी मंच पर हैं, मैं अनुरोध करती हूं, कृपया। कहना चाहता हूं, जो मैंने टाइम और स्पेस के बारे में अभी क्वांटम फिजिक्स और उसके बारे में जो मैंने पढ़ा, सो दिस विंडो वॉज अवेलेबल टू मी थ्रू माई फ्रेंड नंदू कुलकर्णी इज़ अवेलेबल हियर। किसी को और बारीकी से उस विषय को समझना होगा तो वह उपलब्ध है। बिल्कुल, नंदू कुलकर्णी थ्री मजे वर्ग त्रिजा तसन है ना, तीनच वो मैथमेटिक्स के अभ्यासक है। नंदू कुलकर्णी थ्री एट जीमेल डॉट कॉम इस विषय में मैंने अशोक जी वो पढ़ा पूरा, टाइम और स्पेस के बारे में जो आधुनिक विचार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो नंदू जी से ज़रूर गाइडेंस लेंगे। हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। शमा जी से अनुरोध करती हूँ कि तबले पर संगत करने वाले गैरा उमेद सिंह जी का भी सम्मान करें।